बैठ लो, आइए बैठ लीजिए। लोकतंत्र रक्षा करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी। विधानसभा अध्यक्ष न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। विपक्ष कह रहा है कि हम हठधर्मी हैं, सत्ता पक्ष के विधायक असंसदीय भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, हम उन भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहते, हम हठधर्मी नहीं हैं। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी से पिछले लगभग 4-5 दिनों से लगातार हम गुहार कर रहे हैं, हम आग्रह कर रहे हैं कि हमारे बाबूलाल मरांडी जी माननीय विधायक दल के नेता को नेता प्रतिपक्ष बनाइए। हम लोग भी चाहते हैं कि सदन चले, भारतीय जनता पार्टी के एक एक विधायक चाहते हैं कि सदन चले, लेकिन सदन चले ये भूमिका सिर्फ हमारी नहीं है, ये भूमिका विधानसभा अध्यक्ष जी की भी होनी चाहिए, ये भूमिका सरकार की भी। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे, जितने भी माननीय सदस्यगण हैं सबकी अपनी गरिमा है और सभी लोगों को जनता ने चुन करके भेजा है, तो हम पक्ष में रहें विपक्ष में रहें किन्हीं को किन्हीं के बारे में भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार माननीय विधायक इरफान अंसारी जी के द्वारा बार बार गलती की जाती है, पिछले बार भी सदन में आप लोगों ने देखा था कि माननीय स्पीकर साहब ने कहा उनको माफ़ी मांगने के लिए, उन्होंने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, तो कहीं ना कहीं हर बार इस तरह की गलतियां करने से ठेस पहुंचती है, और इसलिए आज हम लोगों ने माननीय अध्यक्ष महोदय से ये आग्रह किया कि ये सत्ता पक्ष या विपक्ष की बात नहीं, ये संसद के सारे लोगों के सभी माननीय सदस्यों के स्वाभिमान की बात है। इरफान अंसारी के जो संस्कार है, जो उन्होंने लगातार पिछले विधानसभा में भी और अबर बार विधानसभा में भी लगातार उनका व्यवहार सदन के गरिमा के विपरीत है, हर समय जब वो मुंह खोलते हैं तो ऐसा विवादित बात को बोलते हैं जो एक माननीय विधायक को शोभा नहीं देता। उनका आचरण पिछले विधानसभा सत्र में भी आप लोगों ने देखा होगा किस तरह से स्पीकर के ऊपर आकर के और उन्होंने स्प्रे फेंकने का काम किया, जूता फेंकने का काम किया, अगर उस दिन मार्शल नहीं होता तो ब्रेन हेमरेज स्पीकर का हो जाता, ऐसी घटना उन्होंने घटवाने का काम किया था। उसके बाद अबर बार के विधानसभा में चुन के आने के बाद उन्होंने भाजपा को कातिल कहा, आरएसएस को कातिल कहा, और जब स्पीकर महोदय ने उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा तो उन्होंने स्पीकर को भी चुनौती दिया, उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगने की सवाल ही नहीं होती है। उसके बाद इनका मनोबल इतना बढ़ गया और मुझे लगता है कि वो मतांध हो गए हैं, वो अंधे हो गए हैं, या यूं कहा जाए कि वो पागल हो गए। बगैर पागल आदमी एक विधायक जो 5 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता हो इस तरह का गंदा शब्द किसी भी माननीय विधायक के लिए नहीं बोल सकता है, इसलिए उनको काके जाकर के इलाज कराना चाहिए और जब तक उनका इलाज सही ढंग से नहीं होता है तब तक उनको अध्यक्ष जी को बर्खास्त कर देना चाहिए। झारखंड का नंबर 1 एकमात्र संस्थान NIPM साई टावर 4th फ्लोर सर्कुलर रोड रांची।